स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर बार एक नए नए वीडियो, नए नए फॉल्ट, नए नए सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, उसी तरह से आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है नया, क्या आज हम कुछ नया सीखते हैं। आइए देखते हैं आज क्या है नया। आज हम लोग सीखेंगे रेगुलेटर आईसी के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कार्ड में, डीटीएच में, एलईडी के कार्ड में अभी के लगभग सारे कंपोनेंट्स एसएमडी आते हैं और उसमें एसएमडी आईसी रेगुलेटर के लिए लगी रहती हैं। तो हम आज उसके बारे में देखेंगे कि कौन सी रेगुलेटर आईसी किस तरह से वर्क करती है और उसको हम कैसे पहचाने कि कौन सी रेगुलेटर आईसी कितना वोल्ट देती है। जैसे मदरबोर्ड में अक्सर सारी रेगुलेटर आईसियां एक ही साइज की होती है, एक ही जैसी दिखती है, तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी आईसी कितना वोल्ट उसको रिलीज करना चाहिए, कितना वोल्ट की वो आईसी इनपुट लेती है। तो ये सारे कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज। ये देखिए, ये रेगुलेटर आईसियां आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सारी एसएमडी रेगुलेटर आईसियां हैं और ये आईसीयू के नंबर है 1117 और लगभग सबके 1117 है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है, आईसी के नीचे लिखा रहता है 3.3, यहाँ देखेंगे आप लिखा रहेगा 1.2 लिखा रहेगा और 1.3 लिखा रहेगा। और दूसरी एक आईसी होती है जहां ADJ लिखा रहता है, तो ADJ जो लिखा है वो आईसी अलग है और जो 1.2, 2.3, 2.8 इस तरह से जो लिखा है वो अलग आईसी है। अब होता क्या है कि ADJ का मैं क्या मतलब है वो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आगे वाली स्लाइड पे फिर आगे आपको बताता हूं। ये देखिए, जो ये रेगुलेटर आईसी है, अभी ये तीन टांकी होती है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। अब इसमें क्या होता है कि पिन नंबर 2 और ये जो ग्राउंड वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ग्राउंड दरअसल में ये नहीं होता है, ये आउटपुट होता है और ये दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। आप कभी भी ध्यान दें, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है दो नंबर और ये ऊपर का जो दिखता है वो एक ही पॉइंट होता है। और इसमें अब ये देखिए, आप एक पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 आप यहाँ देख पा रहे हैं, 3.3 आईसी यहाँ लिखा है, AMS 1117 3.3, ये 3.3 आउटपुट करेगी। अभी अगर यहाँ 2.8 लिखा होता तो यही आईसी 2.8 आउट करती, अगर यहाँ 1.5 लिखा रहेगा तो यही आईसी यही नंबर 1.5 रिलीज करेगी। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसका क्या है। देखिए, इसमें लिखा है AMS 1117 1.2.0, मतलब ये 12 वोल्ट रिलीज करेगी, मतलब इसका आउटपुट जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। ये देखिए AMS 1117 1.8, ये 1.8 लिखा है, ये 1.8 आउट करेगा। अब मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि ये आईसीयां 1 एम्पियर तक ही चलती हैं, लगभग अमूमन 1 एम्पियर तक का इसकी कैपेसिटी होती है। 1 एम्पियर से ज्यादा का लोड हो तो हम नहीं लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये पिन नंबर 3, ये पिन नंबर 3 आईसी नंबर है 1117-1.8, मतलब ये 1.8 रिलीज करेगी। कहां से रिलीज करेगी, कहां से इनपुट होगा वो हम देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 3 से ये वोल्टेज इन होगा यहां पे। यहां देखिए पिन नंबर 2 वोल्टेज आउट, पिन नंबर 2 जो होता है ये वोल्टेज आउट होता है, मतलब यहां से अगर वोल्टेज इन होगा तो यहां से वोल्टेज आउट होगा। अब दूसरा, पिन नंबर 3 ग्राउंड रहेगा, अगर पिन नंबर 3 ग्राउंड है तो ही ये वर्क करेगी। अब ये देखिए, मैंने बताया ना 3.3, ये 3.3 आईसी है, 3.3 वोल्टेज रिलीज करेगी, ये 5 वोल्टेज रिलीज करेगी। अगर यहां से हम 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट जो भी यहां वोल्टेज देंगे तो यहां से ये 5 वोल्ट रिलीज करेगी और यहां ग्राउंड देना कंपलसरी है। अब मैंने आपको बताना चाहूंगा ये ADJ आईसी क्या है। ADJ यहां पे तो 1.8, 2.5, 2.3, 3.3 इस तरह से कुछ नहीं लिखा है, वहां लिख दिया है ADJ। ADJ का मतलब है कि एडजस्टेबल वोल्टेज निकालेगा। अब जितना वोल्टेज इससे निकलवाना चाहे उतना वोल्टेज आप इससे निकलवा सकते हैं। ADJ अगर लिखा है तो ये समझ लीजिए कि एडजस्टेबल वोल्टेज ये निकालेगी ये आईसी। किस तरह से निकालेगी उसका हम एक्सप्लेन करेंगे आगे।
देखिए, अगर हम यहां 5 वोल्ट इनपुट देते हैं, यहां हमने 5 वोल्ट इनपुट देना है, तो यहां से आउटपुट वोल्टेज रिलीज होगा। और कब रिलीज होगा, किस तरह से रिलीज होगा और कितना रिलीज होगा वो हम आगे देखते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है एडीजे वाला एडजस्टेबल, जो फिक्स्ड आईसी में जो आईसी के वोल्टेज फिक्स थे उसमें यहां ग्राउंड आता था, पर यहां ग्राउंड न आकर के ये पॉइंट, ये देख रहे हैं आप 5 वोल्ट का जो वीसीसी है, जो प्लस वोल्टेज है, यहां से एक रेजिस्टेंस लगेगा और ग्राउंड से भी एक रेजिस्टेंस लगेगा, और बीच में जो टर्मिनल बनेगा, आप देखें आगे स्लाइड में, बीच में जो टर्मिनल बनेगा, ये टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। क्लियर, ये टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब होगा क्या कि हम ये जो ग्राउंड से रेजिस्टेंस लगा है और जो ये प्लस से रेजिस्टेंस लगा है, इसके वैल्यू को कम ज्यादा करके हम यहां वोल्टेज जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो हम कम और ज्यादा ले सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट। मतलब ये कहना चाहूंगा कि इस एडीजे रेगुलेटर आईसी का जो डायग्राम है ये इस तरह से होता है। ये जो फर्स्ट पिन है वो इनपुट होता है, जो तीसरा नंबर पिन है वो इनपुट होगा, ये जो है बीच वाला पिन जो होगा वो आउटपुट होगा, और जो थर्ड नंबर की पिन होगी वो होगी एडीजे सिग्नल। एडीजे सिग्नल हमको यहाँ बनाकर देना होता है, जो ग्राउंड से और प्लस से एक रेजिस्टेंस का ब्रिज बनाया जाएगा। बीच वाला जो टर्मिनल मिलेगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बीच वाला जो टर्मिनल मिलेगा उस टर्मिनल से हम एडीजे को कनेक्ट करेंगे। और अब ध्यान रहे कि हम जब यहाँ वोल्टेज जो ये दिख रहे हैं, दो रेजिस्टेंस आपको दिख पा रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कम और ज्यादा करेंगे तो यहाँ आपको वोल्टेज में वेरिएशन मिलेगा। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर का स्पेसिफिकेशन था। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो एक लाया था कि हम समझ सकें कि ये जो रेगुलेटर आईसी है वो किस तरह से वर्क करती है, जो एडीजे आईसी है वो किस तरह से वर्क करती है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए अगर आपको लेना है तो आप हमारे नए नए वीडियो हमेशा देखते रहें, और नए नए वीडियो में मैं नए नए सॉल्यूशन लेकर के आता रहता हूं। और दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों से दो शब्द कहना चाहूंगा कि आज हमारा देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, इस परिस्थिति में हमें और हमारे पूरे आवाम को इस देश के साथ में रहना चाहिए। और देश की अपील ये है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बड़े प्रधान हैं, उनकी अपील ये है कि आज आप लोग सुरक्षित रहें, क्वारंटाइन रहें, क्योंकि कोरोना नाम का जो वायरस है, हम अगर क्वारंटाइन रहते हैं तो इस पे जल्दी से जल्दी निजात पाई जा सकती है। तो इसलिए इस पूरे आह्वान में पूरे देश से मेरी अपील है कि आप सभी लोग देश के साथ रहें। दोस्तों घर में बैठकर के देशभक्ति की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वक्त पड़ने पर अपने अंदर के जज्बात को, अपने अंदर की देशभक्ति को दिखाने का वक्त बार बार नहीं मिलता है। और आज अगर इस तरह से आह्वान हमारे देश के बड़े प्रधान कर रहे हैं तो हमको अपने अंदर की देशभक्ति दिखानी चाहिए और अपने घर में रहना चाहिए, अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।